सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोयला कारोबार से जुड़े माफिया दूसरे ग्रुप के बाउंसर के साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये वायरल वीडियो सिंगरौली के मोरबा थाना क्षेत्र का है, जिसमें कोयला कारोबार से जुड़े मुन्ना गुप्ता और उसके साथियों ने दूसरे ग्रुप के बाउंसर कपिल राणा के साथ जमकर मारपीट की। मुन्ना गुप्ता और उसके साथियों ने पहले कपिल को अपनी कार से टक्कर मारी, फिर उसके बाद उसे लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। जिसमें एक बॉक्सर टाइप का पहलवान टाइप का व्यक्ति है, उसका विवाद किसी एक परिवार से हुआ था, जिसमें उस परिवार के लोगों के द्वारा उस बॉक्सर की पिटाई की गई है, जिसमें बेसबॉल से भी उसके साथ मारपीट की जा रही है। उस पर से बॉक्सर की रिपोर्ट पर से मोरवा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसको जेल भी भेजा गया है। इसके साथ ही जो शेष आरोपी है उनकी पुलिस तलाश कर रही है, प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।